उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बड़े मज़े की है जिसमें आप जानेंगे अपनी फेवरेट अदाकारा इकरा अजीज़ के सुपरहिट ड्रामों के बारे में, जिनकी वजह से आज वो इंडस्ट्री में कम उम्र फेमस अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के इस खूबसूरत अदाकारा के ड्रामास देखना मिस कर चुके हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो ड्रामास देख सकते हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 7 पर ड्रामा सीरियल झूठी है। झूठी पाकिस्तान का थ्रिल बेस्ड ड्रामा था जिसमें इकरा अजीज ने मनफी किरदार अदा किया। ड्रामे की कहानी में एक लड़की निमरा दिखाई गई जो अपनी झूठ बोलने की आदत की वजह से अपना घर खराब कर लेती है। इस ड्रामे में इकरा अजीज अपने शौहर यासिर हुसैन के साथ नजर आईं। ड्रामा अली मोइन ने लिखा जबकि अब्दुल सेजा ने प्रोड्यूस किया। इसकी टोटल 26 इकसात हैं। ड्रामे में निमरा का किरदार इकरा अजीज ने अदा किया। इसकी दीगर कास्ट में मरियम नफीस, अहमद अली भट्ट, असमा अब्बास भी थीं। नंबर 6 पर ड्रामा सीरियल रकीब से है। रकीब से 2021 का एक सुपरहिट ड्रामा था। बुनियादी तौर पर ड्रामे में चार खवातीन की कहानी दिखाई गई जो मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करती हैं। ड्रामा ऐसी दिलचस्प मोहब्बत की कहानी को पेश करता है कि नाजरीन ने इस ड्रामे को पसंद किया। इस ड्रामे को बीगुल ने लिखा जबकि काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। इसकी कास्ट में हदीका कयानी, इकरा अजीज़, नुमान एजाज, सानिया सईद हैं। 23 इकसात पर मौजूद ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 5 पर ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी है। रांझा रांझा कर दी इकरा अजीज़ का एक बेहतरीन ड्रामा था। ये ड्रामा सोशल फैमिली बेस्ड ड्रामा था जिसके किरदार भोले को नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ड्रामे में इकरा अजीज़ और इमरान अशरफ लीड रोल में थे। ड्रामा नूरी और भोले की कहानी पर मरकूज है जिसमें वो माशरे की साजिशों का सामना करते हैं। ये ड्रामा फ़ाइज़ा इफ्तिखार ने लिखा जबकि काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में भोले का किरदार इमरान अशरफ ने अदा किया जबकि नूरी का किरदार खूबसूरत अदाकारा इकरा अजीज़ ने अदा किया। ये ड्रामा अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बना पर कई ज़्यादा अवार्ड भी हासिल कर चुका है। नंबर 4 पर ड्रामा सीरियल मोल है। मोल पाकिस्तान का फैमिली बेस्ड ड्रामा था जो बुनियादी तौर पर फ़र्द के हकूक़ माशरे के तकाज़ों के साथ मतवाजन करने के बारे में था। ड्रामे में इकरा अजीज़ ने सज्जल का किरदार अदा किया। आमना मुफ्ती ने इस ड्रामे को लिखा। कास्ट में थे फैसल कुरैशी, नवीन वकार, इकरा अजीज़। टोटल 20 इकसात का ये छोटा सा ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इस ड्रामे में इकरा अजीज़ ने शानदार अदाकारी की थी। नंबर 3 पर ड्रामा सीरियल कुर्बान है। कुर्बान इकरा अजीज़ का एक और बेहतरीन ड्रामा था जिसे अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया जबकि आई ड्रीम एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ। ड्रामे की कहानी तीन लोगों के गिर्द घूमती है। ड्रामे में इकरा अजीज़ ने एक मासूम लड़की हीर का किरदार अदा किया जो अपने क्लास फेलो जमाल से मोहब्बत करती है। इसके दीगर कास्ट में बिलाल अब्बास और शहजाद शेख भी नज़र आए। इसकी टोटल 29 इकसात थी। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। नंबर 2 पर ड्रामा सीरियल सुनो चंदा है। सुनो चंदा पाकिस्तान का एक सुपरहिट ड्रामा था जिसमें आपको कॉमेडी, रोमांस और मजाहिया लड़ाई एक साथ देखने को मिलेगी। ड्रामा दो लोगों पर मरकूज था जो एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन इनकी फैमिली इनकी शादी करवाना चाहती है जिसकी वजह से वो दोनों शादी रोकने के प्लान्स बनाते हैं। नाज़रीन ने लड़ाई से शुरू होने वाली इस मोहब्बत की कहानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगर आप ये ड्रामा बार बार भी देखेंगे तो बोर नहीं होंगे। इस ड्रामे में इकरा अजीज़ जिया का किरदार अदा किया जबकि फरहान सईद ने अरसल का किरदार अदा किया। अगर आपने पाकिस्तान का ये ड्रामा नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो आज से ये ड्रामा देखना शुरू कर दें। नंबर 1 पर मेरा फेवरेट ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 है। खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 पाकिस्तान का सुपरहिट ड्रामा था जिसमें पहले दो सीजन्स के मुकाबले दोनों किरदार मुतारिफ करवाए गए जो मुख्तलिफ माशी और सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक दिलचस्प माही और फरहाद की मोहब्बत की कहानी है जिसमें माही का किरदार पाकिस्तानी खूबसूरत अदाकारा इकरा अजीज़ ने अदा किया जबकि फरहाद के किरदार में फिरोज़ खान नज़र आए। सस्पेंस और रोमांस से भरपूर ये ड्रामा नाज़रीन ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इसकी दीगर कास्ट में सुनीता मार्शल, हिना ख्वाजा, जावेद शेख भी नज़र आए।